हरीश नाम का एक लड़का था। उसे दौड़ने का बहुत शौक था। वह बहुत सारे मैराथन में हिस्सा भी ले चुका था, परंतु थक जाने की वजह से किसी भी रेस को पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो रेस को पूरा जरूर करेगा। अगले ही दिन हरीश ने एक रेस में भाग लिया। रेस शुरू हुई, हरीश ने भी भागना शुरू किया। कुछ समय बाद धीरे धीरे सभी लोग उससे आगे निकलने लगे। हरीश अब थक चुका था, वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा और लगातार आगे बढ़ता रहा, लेकिन कुछ समय बाद वह बहुत ज्यादा थक गया और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद से कहा कि वह आज कैसे भी करके दौड़ को पूरा जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और रेस को अंततः पूरा कर लिया। माना कि वो हार चुका था, लेकिन आज उसका आत्मविश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी रेस को पूरा नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैर बहुत दर्द कर रहे थे, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश था। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी काम को पूरा जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम किसी भी काम को पूरा नहीं करते तो हमारा खुद पे भरोसा कम हो जाता है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।